अहमद के हम दर्दों में गम ख़ारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ यानी अच्छा, ये ये खतरा था देख रही थी कि मुस्तकबिल का ट्रेंड क्या है हाँ हिजाज़ तक भी नुकसान पहुंच सकता है वहाँ भी ये कर सकते हैं मुसलमान है हिंदुस्तान के समझ हाँ, रहे थे हिजाज़ तुर्की के कंट्रोल में ही रहना चाहिए लेकिन हज़ूर उनके सारा ट्रेंड देख रहे थे कि आंदा मुस्तक में जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा और ये बात भी काबिल जिक्र है कि उस वक्त जो इस्लामी दुनिया थी और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में तो वो हमारे यहाँ तो बड़ा जज्बाती लगाव इस्लाम के साथ एक ये खूबी भी है लेकिन फिर जब हम जज्बाती रंग में उसका इजहार करते हैं तो नुकसान भी होता है हमें यानी जब भी हमने कोई रद्द ज़ाहिर किया है तो उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए काबिल इतराज़ हो जाती हैं यानी उसमें होश का काम नहीं हम लेते सिर्फ़ जज्बात को जज्बात से काम लेते हैं तो उस वक़्त हिंदुस्तान में ये एक वाद आवाज़ उठी है यानी मुसलमानों के मशहूर अकाबर मशाहिर बड़े मुद्बर मदमर सारे जो समझदार सियासतदान वो सारे ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हमें एहियाए खिलाफत की तहरीक चलानी चाहिए एहिया खिलाफत की तहरीक चलानी चाहिए जूर फरमाया कि ये ये मुमकिन ही नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा हो और इसको आ, आपको इसको फ़ायदा पहुँचे आप तुर्की हुकूमत के फ़ायदे के लिए बात करें खिलाफत को जहाँ तक खिलाफत का तल्लुक है अगर आप खिलाफत की बात करेंगे शीह आपसे अलग हो जाएंगे सऊदी आपसे अलग हो जाएंगे मुसलमानों में इख्त का एक रस्ता निकल आएगा और यह वायद आवाज़ थी और उसी ने ने उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जहा और मौलाना शौकत अली बड़े बड़े ये लगर, अकाबर मौजूद थे और और फिर ये भी लतीफे की बात है या दिलचस्प बात होगी कि इस तहरीक के खिलाफ को जो सरासर इस्लामी तहरीक थी गांधी जी ने डिक्टेटर बन गए कर लिया उसको उसके रहनुमा बन गए और ये उनके पीछे चल रहे थे जैसे आपने बताया कि अलीगढ़ का जाके बंद करा तो ये गांधी जी करवा रहे थे करवा रहे थे तो ये यानी बाकी सारे एक तरफ सब मुसलमान भी हिंदू भी आ, उनके साथ शामिल थे और फिर ये खिलाफत की क्या बात चूके खिलाफत का या चाहते हैं और अंग्रेजों की मातहत रहते हुए ये नहीं हो सकता तो हम अंग्रेजों की हुकूमत से निकल रहे हैं अब ये मसला पैदा हो गया कि अब तो यहाँ हम रहते हैं तो यहाँ रहते हुए तो हम तो ये काम नहीं कर सकते तो अंग्रेजों की हुकूमत से निकल जाओ उसका क्या हल होगा अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है चलो हम हिजरत करते हैं यहाँ से अफगानिस्तान चले किस तरह इतनी इतनी मजाक खेस सी बात थी कि अफगानिस्तान तो तैयार नहीं उन्होंने आपको दावत नहीं दी क्या आप वहाँ आ जाएँ अफगानिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि इतने मुसलमान वहाँ जाके समा सके नहीं तो मौलाना अब्दुल अब्दुलमजीद दु, सालक ने उस जमाने का नक्शा कहता है कि वो बड़ा अजीब जज्बाती ज़माना था कि एक जलसे में मुसलमानों ने उठ के कहा कि हम अपनी जायदादें और सब कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हैं हमारे हिंदू भाई जिनके साथ हम एक हज़ार साल से रह रहे हैं वो हमारी अमानत रखेंगे अपने पास हम वहाँ जाएँगे और हजार खिलाफत हो जाएगा और उसके बाद वापस आके अपने भाइयों से अपनी जायदादें वापस ले लेंगे और कहते किसी हिंदू ने भी उठ के तकीर की उसी उसी में उसने कहा कि अगर मुसलमान यहाँ से जाते हैं तो हमारा यहाँ दिल ही नहीं लगेगा हम यहाँ क्या करेंगे हम भी छोड़ के जाते हैं और यहाँ बातें हैं नामुमकिन बातें नुकसान मुसलमानों को बाद अच्छा ये ये तर्क तरक मवालत का जो नुकसान था यानी वो तो ये था कि जंग की वजह से हिंदू सरमायादारों के पास इकट्ठा हो गया था वो चाहते थे इंडस्ट्री लगाना उसके लिए हुकूमत पे दबाव डालना चाहते थे और जो बैरूनी माल की तजारत थी वो बम्बई में वो मुसलमान करते थे तो इसका फ़ायदा तो उनको हो रहा था तरक मालत तो इनको क्या इसमें मिलेगा और इससे तो करके तो पहले ही ज़्यादा इसके में हज़रत साहब ने क्या ने तो ये जहाँ तक फरमाया कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम अब वो फ़ायदा मुसलमान वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं जो हमें गांधी के जरिए मिलेगा कहते हैं ये तो हमें शर्म आनी चाहिए कि आदर सल्ला व्ल् की उम्मत और हज़ूर की तरफ़ मनसूब होने वाले जो हैं वो अब एक हिंदू के ज़ेर एहसान हो जाएंगे सुनवा पहले तुम कहते थे कि मसीह आएगा अस्तीसा आएँगे तो वो मुसलमानों को आके ठीक करेंगे पहले आप ईसाइयों के ज़ेर एहसान हो रहे थे अब आप हिंदुओं के ज़ेर एसान हो रहे हैं और हजूर सल्ला व्लम की तरफ मुनासबत देते हुए उनसे नस्बत रखते हुए अब एक चाहते हैं कि गांधी का एहसान हो जाए उम्मीद वो तो कहते हैं जो बनते हैं चैम्पियन ख़त्म के अताला शाह बखारी मस्जिद ख़ैर के अमृतसर में इमाम थे वो कहते थे गांधी बिलकुआ नबी है बिलकुबा नबी है और है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली का भी यह है कि ये जो कुछ कहते हैं उसके पीछे जब तो मैं तो बुला सोचे समझे जैसे पैरवी की करते थे जैसे अब तो आप इनकी करते हैं और उन्होंने मौलाना शौकत अली खान ने कहा ये इमाम में दी हैं तो ये ऐसी बातें मतलब अजीब इस्लामी तारीख तरीक रहनुमाई तो फिर तो हिंदू हिंदू कर रहे थे ये अजीब मोहम्मद गांधी को यह भी अजीब तशारफ है हजरत मुस्लिम सबसे ज़्यादा उनकी साइब थी इनके बारे में अजीब बात है कि मुसलमान पता नहीं क्यों इतने उससे मुतासर होते हैं और देखें ये सारे जो नाम नहीं है मौलाना अली साहब ये सब पहले तो सारे अली हैं ना शौकत अली जफर अली और वो आसिफ अली और तो अलवी के पूरे अली तो ये हो गए ना जफर अली खान कहते थे तकरीर मैं कर, खलाकी गांधी की काम कर हाँ, हैं तो ये देखे ना सारे इस कदर मुतासर हो रहे हैं और फिर अपनी, लोग अपनी कौम के लिए मुखल थे नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन आ, देखे ना बात हाँ, जो पेश कर रहे हैं वो खिलाफत के खिलाफत का क्या तल्लुक है गांधी से यही तो ये यही तो कह रहे हैं बासु भाई वे खिलाफत के साथ गांधी साहब का क्या था मेरा जो मुतासर है ना कि इन सालों को एक्सप्लाइट गांधी साहब ने किया गांधी साहब पीछे बैठे रहे जिनको उन्होंने गर्म किया वो अपना इमेज बनाना चाहते थे और उन्होंने को पीछे लगा लिया कि मैं सारे हिंदुस्तान के लीडर हूँ मेरे साथ जिसने बात की कर सा एक उनमें आवाज़ थी कायद कायदाजम मोहम्मद अली जना उन्नीस सौ बीस में नागपुर कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में मौलाना कायदाजम तकरीर करने के लिए स्टेज पर आए हैं तो उन्होंने मिस्टर गांधी कहा है मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली उन आस्तीने चढ़ा के उनको लड़ने के लिए उनके पहुंचे हैं कि मिस महात्मा कहें इस बात पे वो स्टेज छोड़ के चले गए हैं इसका मतलब है जो कोई लीडरशिप थी सेन लीडरशिप थी जो समझदार बाहोश थी उसको तो अलग कर दिया गया और जज्बाती लोगों के पास सीन आ गया नहीं लेकिन इतने लोग मैं तो ये ठहरा देखें जितने भी लीडर थे इतने पढ़े लिखे यही अली फैमिली थी वो फिर वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे उनके साथी जो थे वो क्या नाम था हसरत मोहानी और वो डॉक्टर क्या नाम था मुख्तार ये पड़े, सब पढ़े लिखे लोग थे ना इनको हो क्या क्या समझ नहीं आता वो खिलाफत का जो एक था। वो मैं ये कहता हूँ एक्सपेक्टेशन है ना एक वो, ऐसा वो, वो, उनको नारा दे दिया गया कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम क्या करें की हालत है कि ये फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दरख्वास्त करें कि तहफ़ दें खिलाफत का एक उधर से हिंदू ले ले रहे एक उधर से ईसाई ले लिया तो, की सियासत और सियासी रहनमाई का जिक्र मैंने बताया कि वो यानी हुजूर ने सोचा और सबके खिलाफ़ यानी आम तौर पर तो ये तो सियासी लीडर तो बेलगूम यही करते हैं अब ज़रूरत थी हमें आज़ादी की मुसलमानों को और कायद अज़म हमें मिल के आगे आ गए तो ये सब का मतलब था मुतफिक मत ताबा था हुजूर ने बिल्कुल एक बाकी रामा के ख़िलाफ़ अपनी चीज़ पेश की है और शुरू में कहा कि ये चीज़ जो है यही कामयाबी का जरिया बनेगी और वो हिजरत का जिक्र किया मैंने वो लोग अफगानिस्तान चले गए कुछ लोग जिस बात में आके चले गए अफगानिस्तान उन्होंने हिजरत इख्तियार की वहाँ जा के कोई तैयारी नहीं थी वहाँ पर इतना बड़ा मनसूबा है तो उसके लिए पहले तैयारी होनी चाहिए वो बॉडर बंद कर तो तो वो उन्होंने बॉडर बंद कर दिए कुछ लोग जो अंदर चले भी गए तो किसी ने उनको पूछा नहीं वो कुछ लोग भूखे वहीं मर गए कुछ वापस आए बुरे हाल में इतनी तबाही हुई उस वक्त मुसलमानों की मुसलमान इतनी तबाही हर लिहाज से नुकसान और वो फायदे में रहे हिंदू फ़ायदे में रहे उसमें और मैं समझता हूँ शायद ये एक वजह भी साथ होगी उसके किस किस्म का फ़ायदा उनको नज़र आता होगा वो तो करते हैं हिसाब करते हैं बनिए तो कि क्या किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा तो ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचा कौमी लिहाज से और हिंदू फ़ायदे में रहे और रहनुमाई नाम था तरीक खिलाफत का या हिजरत हिजरत कितना मुकदस नाम और इसको एक्सप्लाइट किया गया हिजरत के लिए तो हजरत खिलतलमसी का जो वक्त बर वक्त रहनुमाई बर वक्त रहनुमाई फरमाई आपने और लोगों ने नुक़सान उठाया उससे हजर खलीफतलमसी सानी रजिलानों की जो रहनुमाई है उसमें यह भी तो एक इम्तियाज़ी चीज़ है कि आपके आप सियासत आम मानों में जो सियासत है उसमें तो आप कभी शामिल नहीं हुए सियासत तो यही है ना कि लोगों की राय क्या है उसके मुताबिक हम भी अपनी राय जाहिर कर दें लोग जिस बात में खुश होते हैं वही हम भी उसी तरह से इजहार कर दें और लोग साथ चले हमारे और कामयाब वो नहीं है हजूर ने हमेशा पुराने मजीद के असूल बयान किए हजूर ने हमेशा अखलाक को मुकदम रखा आप तो मजहबी रहनुमा थे आप सियासी रहनुआ नहीं थे बाहर लेकिन मजहबी रहनुमा होने की वजह से और मजहब में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो आपने कुरान मजीद से रहनुमाई ली आप जिक्र कर रहे थे कि हजूर ने कभी वापस नहीं मुड़ना पड़ा हमें उसकी वजह यही थी कि कुरान मजीद में जो रहनुमा असूल मिलते हैं हम उनको सामने रखते थे और उसमें तो फिर आगे आगे जाने वाली बात होती पीछे मुड़ने की बात नहीं होती नहीं। उस वक्त हजूर ने जब ये तर के मवालत और इस किस्म की तहरीकें चल रही थी और पहले भी जिक्र आ चुका है उन लोगों को जो अदम तावन करते थे गौरम से वो लोग जो सिफुल नाफरमानी करते थे वो लोग जो टैक्स देने से इनकार कर देते थे बल्कि इससे भी आगे बढ़ के जो दहशत गर्दी के मुजाहरे करते थे रेलवे लाइन उ दी या हस्पताल जला दिया या डाखाना जला दिया जितनी सरकारी इमारतें उनको नुकसान पहुँचाया तो वो उनको हीरो समझा जा जाता था तो उस वक्त जो हजूर की रहनमाई थी वो ये थी कि तुम इन नौजवानों को लालच लालचनेस की तरबियत दे रहे हो नाफ़रमानी की तरबियत दे रहे हो बगावत की तरबियत दे रहे हो ये बगावत की पनीरी जो है ये उगेगी और जब आपकी अपनी हुकूमत आज़ादी के बाद कायम होगी तो आपको नुकसान पहुँचेगा और है। वो ऐसा दहशतनाक किस्म का नुकसान हो रहा है हमें कि उसका शायद उस वक्त अंदाजा भी कोई नहीं कर सकता तो राम जो हमारे मुल्क में चारा नहीं है, है वो इसकी वजह यही है कि ये मतलब हुकूमत को यही समझा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है एहतराम करने की कानून तोड़ा जाता है सारी सारी कदरें खत्म हो गई सारी अखलाक खतरे कहना चाहिए कि उसमें सिर्फ ये रह गया कि हमारा हम किस तरह कुछ हासिल कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने बात बयान की थी उन्होंने मेरा ख्याल तो कह देंगे आज वो शायद भूल गए होंगे हजर मुस्लिम ने चैलेंज किया कि ये जितने भी कानून तोड़ के हा, मफाद हासिल कर रहे हैं ना मैं इनको बताऊंगा कि इस्लामी कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के हम सारे ये मफादात हासिल करेंगे ये क्या बुनियाद ये बेबुनियादी चीज़ है ये जी कहा दो जी जुलूस निकाल जुलूस से क्या हो जाएगा क्या कुछ भी नहीं लगा का यानी सियासी जो लीडर थे उनको ज़ूर मशवरे दे रहे हैं लेकिन इस किस्म के मशरे दे रहे हैं जो उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है लेकिन वो दुरुस्त हैं वो ये कहते थे कि तरक मवाल कुरान पाक में आयात हैं कि जी काफरों से दोस्ती ना रखें उनसे तलक ना रखें मोहब्बत ना रखें जो कोई रखेगा उन्हें कर... ये वो आयद पेश करते थे ना अंग्रेज इसका क्या ूर जवाब देते थे जाहिर है कि वो तो तब्लीगी मजहब जो है वो उस तरह जो वो चीज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक तो तबलीग हो ही नहीं सकती फिर या तो फिर यह कि तब्लीग का हुक्म नहीं है हमारे यहाँ तो की असल, असल में वो जो वहाँ मवाला का जिक्र है ना वो है कि इस्लामी मफाद के खिलाफ जो दोस्ती है दोस्ती माना नहीं अगर कहेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है ये है ये नहीं कि दोस्त ही है हाँ। वरना तो गांधी क्यों दोस्त बना रहे हैं हाँ, ये, ये देखें ये देखें कि वो उधर दलाइल पेश कर रहे हैं कि <laughs> कुरान ने मना किया कुफार के साथ दोस्ती <laughs> रखने का जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा उन्हीं में से होगा मना किया वाज आयत हैं तो उसके साथ ही हिंदुओं के साथ दोस्ती सल्लम के तल्लक थे गैर मुस्लिमों के साथ आपस में लेन देन मामला सारा वो ठीक है लेकिन वो उसी अच्छा हिंदुओं के साथ वो कहते थे कि नहीं यहाँ ये एग्जाम्प्ट हैं ये कैसे एग्जाम्प्ट हो गए ये अच्छा ये ये बड़ी बात ये है कि इसका तजिया किया जाए कि मुसलमानों में असल में बात ये थी कि उनकी सल्तनत चली गई थी हिंदुस्तान से और उन्होंने सुकून एक इतमान और एक दिल का दिलासा ढूंढा था तुर्की की खिलाफत में कि ये हमारी सल्तनत मौजूद है इस पर जब ज़द पहुंची है और जो अंग्रेज़ों ने वादे किए हुए थे कि भाई हम ये करेंगे आपके वादे तो वो जब ख़तरे में आए हैं तो इससे वो यानी ऐसा रद जज्बाती था नफसयाती था ये बात ये इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें क्या करते वो बात है कि प्रोफेसर ये एक सियासी तनाजर है मैं मेरी जतीी राय है मैं जिस रंग में देखता हूँ वो ये है कि खुदा तौ ने जिसको खिलाफत सपोर्ट करनी थी ना उसके सामने क्लीन बोर्ड होना चाहिए था और कोई खिलाफत ठहरनी नहीं थी और इन्होंने ये मान लिया पूरे हिंदुस्तान ने जोर लगाया अंग्रेज़ों से दरख्वास्त ने की कि जी खिलाफत कायम हो और खुदा ताला ने खिलाफत जिस रंग में कायम करनी थी उसका एक ही खादिम था और वो गियन में था उसकी खिलाफत के सामने किसी और का चरा नहीं जलना था मैं ये समझता हूँ कि इस रंग में खुदा तला ने एक एक दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है कि जो खिलाफत है अब वो उसी सूरत में कायम होगी जबकि मेरा नुमाइंदा आ गया वो कायम कर सके वरना तो देखें मैं मैं नाम इसीलिए मैंने पढ़े हैं कि इतने शान लोग थे ये नहीं बात ये, ये इतना साहब मसला ये था कि अठारह सौ सतावन की जंग आजादी जो कहते हैं वो अंग्रेज़ों ने तुर्की की खिलाफत से फतवा मंगवा के मुसलमानों को कहा था ये जंग आज़ादी नहीं है ये गदर है और फतवा तुर्की से आया था जिसकी वजह से मुसलमानों को ये कहा गया था कि भई ये 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 गदर है तामन करें अब मुसलमानों का जो अटैचमेंट थी उसे तस्लीम कराया गया दोनों ने भी और गवर्नमेंट ने भी अब एक दम जो उस पर हुआ कि वो ख़त्म हो रही है या ख़तरे में आ गई है तो आवाम का रद्दमल तो जिनके जहनों में यह बात डालेगी तो वो वो बनता था उलमा का ये था कि वो सिस्टम में बिल्कुल अलग कर दिए गए थे अब पहला मौका था उलमा ने बजाय होश से काम लेने के बजाय समझाने के उन्होंने कहा जी हमारा अहमियत दोबारा आ गई है सियासत में वो जंप लगा के आ गए ये एक ऐसा तूफान बना है इस तूफ़ान के आगे कोई खड़ा होने वाला नहीं ज़रूरत नहीं थी जैसे फरमाया ना इन्होंने कि जी एक ही आवाज़ उठी है जना ने जाके स्टेज पे थोड़ी समझाने की को कोशिश की छोड़ना पड़ा स्टेज उन्हें ये एक है इसका बताएं क्या इसका क्या था मैं समझता हूँ उस वक्त जो तुर्की की हालत थी उसका सही नक्शा खींचते हुए लिखा गया लिखा किसी ने ये ग्रे वुल्फ नाम की किताब है, है एच सी आम स्ट्रांग इसके मुसनफ़ हैं लिखते हैं कि जीशान खलीफा सुलेमान के बाद 300 साल के अंदर अंदर उस्मानिया का दिवाला पिट चुका था यानी तुर्की के जो जहाँ ख़िलाफत का जिक्र आ रहा है और अर्ज़ल उमर तक पहुँच कर इसके अज्जा मंशर होने लगे थे इस यकीन के नतीजे में कि ये अब टूटी कि अब टूटी ईसाई ताकतें हर तरफ से इस पर हरीसाना दबाव डाल रही थी कि जो कुछ ले उड़ने की ताकत हो वो ले उड़ें जैसे अमेरिका फ़्रांस और बरतानिया की जो मीटिंग हुई है उसमें यही था रूस और काकेशिया पर कब्ज़ा जमा चुका था रूस काकेशिया पर कब्ज़ा जमा चुका था दुनिया का दावेदार था और बहराज तक पहुँचने की राह मांग रहा था फ्रांस शाम और को हथिया चुका था इंग्लिस्तान मिसर और कब्रस पर कब्ज़ा जमा चुका था ऐसे हाल में नई वसत पजी ताकत जर्मनी ने सुल्तान अब्दुल हमीद को बकिया यूरोप के मुकाबले पर हीरो बनाकर आगे किया जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जूही दूसरे दुश्मनों का किस्सा पाक हो तुर्की पर भी कब्ज़ा कर लिया जाए यानी वो इनके साथ इतिहादी या इनको फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते थे तमाम कौमें तुर्की से खूसी मुरात और हकूक मु तबा कर रही थी ऐसे गिद्धों की तरह जो किसी जानवर की मौत के इंतज़ार में बैठे ईसाई ताकतें तुर्की के आखिरी सांस का इंतजार कर रही थी एक दूसरी से डरती हुई उसमगीर तबाही की तैयारी में मसरूफ़ है जिसे जंग अजीम कहा जाता है वो एक दूसरे की हास्दाना निगाहों के साथ निगरानी कर रही थीं किसी एक ताकत को यह मजालना थी कि तनाव हाँ पहल कर सके इसलिए स्मानिया सल्तनत में ज़िंदगी की रमक बाकी रही जबकि सुरख सुल्तान अब्दुल हमीद अपने बासफुरुस के महलात में शातराना चैलेंज चलता हुआ एक कौम को दूसरी से लड़ाने में मसरूफ़ था यानी ये उनकी अपनी हालत थी और दुश्मन इस तरह घात में घात बैठा था।, था तो बात यह है कि इस सूरत हाल में ये ये इसमें उनका इमेज डेवलप करने में ख़ुद बरतानिया का भी हाथ है लेकिन और हमारे लोगों का भी हाथ है आवाम पर ये जब पहुंच गया सारा असर पूरा तो फिर उनको समझाना रोकना एक बहुत मुश्किल अमर था लेकिन बात यह है कि वो इससे होश और तदब्बर से काम नहीं लिया गया हजरत साहब ने बर वक्त रहनुमाई की जो उसका नुकसान उठाना पड़ा बाद में उसके तो बाद और ज़्यादा मायूसी में मुबला हुए हम और ज़्यादा जो है सीन जो है वो और मतलब हो गया है मुंतशिर हो गए हैं ज़्यादा लीडरशिप कोई मरकजी उसके बाद कायम हमारी नहीं रही जब नकाम हो गई है ये ने इसका तजिया करते हुए कि तुर्की के खिलाफ अलमी ताकते हैं तुर्की के ख़िलाफ़ क्यों थी तो इसी जमन में हजूर फरमाते हैं कि अगर कहा जाए कि लालच से ऐसा किया जाता है यानी उनके खिलाफ कोई लालच तो ये दुरुस्त नहीं, नहीं। क्योंकि अमेरिका को कोई लालच नहीं कम से कम अमेरिका कोई हिस्सा अपने लिए लेने के लिए तैयार नहीं।, नहीं मालूम होता है कि इस नफरत का बायस कुछ और है यानी यह तज् है जो असल चीज़ जान हम इस मसले के हल तक सही हल तक पहुँच सकते हैं मालूम होता है कि इस नफ़रत का बायस कुछ और है और उस उसके और क्या हो सकता है कि तुर्क मुसलमान कहलाते हैं मेरा मतलब इस बात के कहने से कि तुर्कों से इसलिए नफ़रत की जाती है कि वो मुसलमान कहलाते हैं ये है कि उन मालिक के लोगों को इस्लाम से इस कदर बोध है और आबा अजदाद से उनके दिल में इस्लाम की नस्बत इस कदर बदजनियाँ बिठाई गई हैं कि वो इस्लाम को एक आम मजहब के तौर पर ख्याल नहीं करते बल्कि एक ऐसी तालीम ख़्याल करते हैं जो इंसान को इंसानियत से निकाल कर जानवर और वो भी वैश्य जानवर बना देती है उनके नजदीक इस्लाम ऐसी वह तालीम देता है कि उसकी मौजूदगी में रहम और इंसाफ दिल में पैदा ही नहीं हो सकता इसका मतलब है वो ये समझते थे कि इसका तो भला है इंसानियत का अगर इसको खत्म किया जाए तो इंसानियत की भलाई इसी में सफर देने की कोशिश की जाती है ये, जा ये, रही ये उनका तजिया था और यही तजिया केरन रामस्ट्रांग का भी है कि ये वाकई मगरब के अंदर क्योंकि ये जब तहजीब परवान चढ़ रही थी लड़कपन में थी उस वक्त सलीबी जंगे हुई है और बात जो लड़कपन में सबकॉन्शियस में बैठ जाती है वो साथ नहीं छोड़ती तो हजूर इसके लिए क्या सोच रहे थे कि कैसे हल करना चाहिए वही हजूर तो कहते हैं रेफरेंस दिया उन्होंने बगदाद भी तो तबाह हुआ था ना और वह वैसे वहाँ क्या तब्दीली आई थी तरके मवालत से तो नहीं आई थी वहाँ तरक मवालत का तो नुकसान बल्कि पहुँचा है हमें पहले भी देखो आखिर खान मुसलमान हो गया ना उसकी औलाद ये हाँ ये ये है असल में ये, ये उसका हाल है बहुत अच्छा जून निशान है निशानदही क्या सोच रहा है तो देखो ना अंग्रेज़ों ने होशारी की मैच हैरान आने उन्होंने कहा जी ठीक है तरक्की के जो नुकसान पहुँचा ना ठीक ठाक है उसका खलीफा रहना चाहिए क्यों क्यों खरीफा रहना चाहिए एक बेकार था वो आदमी है जी तो उसने हुशारी है जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो आ, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे अपने बच्चे कुछ जपाही इकट्ठे करके वो तुर्की को आज़ाद कराने कुछ इसके कुफर का और कत्ल का फतवा शेखा इस्लाम और खलीफा दोनों ने दिया तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने कि मुसलमानों को भी खुश खुशवाज़े खलीफा खलीफा कहते हैं ना टर्कों का खलीफा रहने दो हुँ. ये अब उठे तो और मुसीबत पा रही लेकिन ये ताक जो थे इसलिए ऐसे तो मतलब उनका जज्बा था का ये सुस्त हो रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं इनमें तरक्की की कोई जज्बा नहीं पाया जाता कोई आसार नहीं है चलो इनको नाम के लिए रखो के खिलाफ मैं जैसे बगदाद तबाह हुआ था तो वो तरक मवाल से नहीं बल्कि मवालत के जरिए से इस्लाम की जो इस्लाम का हया हुआ वो मुसलमान हो गए और वो ये बातें किसी ने नहीं कही तो मैं कह रहा हूँ देखे ना अल्लाह ताला की देन है ना यही खिलाफत है असल में बाकी यही खिलाफत शोर खिलाफ जो खलीफा उसके आप सुन नहीं रहे तो वो देखें वो उस वक़्त एक मुसलमान फकीर ही गुजरा ना उसी की शान उसने बादशाह एक शहजादे के साथ मुकालमा हुआ है उस मुकालमे ने ऐसा असर डाला है वो शजादे पर कि वो हम बाद में मुसलमान हो गए तो हजूर ये अच्छा हमें कहते हैं जी हमें तो जी इस्लामी तारीख हमें तो तारीख की से बात ही करते हैं कुरान से बात करते हैं हदीस से बात करते हैं इस्लामी तारीख से मसाले देते हैं हमें कहते हैं जी वो नहीं जी वो ये तो उससे नहीं है तो ये कितनी बड़ी जो बात उन्होंने उस वक्त कही जिस पर और उसे पर आना पड़ा बाद में राय चेंज करनी पड़ी अपनी सियासत के मतलब खुदी खुद बयान दे रहे हैं समझाने के लिए फरमाते हैं हज़रत मुस्लिम आ फरमाते मैंने सियासी अमूर में जब भी दखल दिया है कुरान मजीद के मतहत दिया है इसलिए मुझे कभी भी अपनी राय बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई बसा अवकात ऐसा तारीख वक्त आया कि लोगों ने कहा अब नहायत नाजुक घड़ी है और बसा अवकात मुझे दोस्तों ने कहा कि अब आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए मगर मान खुदा ताली ऐसे सामान पैदा करता रहा कि मुझे अपनी राय में तब्दीली की जरूरत महसूस ना हुई अभी थोड़े दिन हुए मैंने खुतबा जुमा में जिक्र किया था कि मुझे कश्मीर के मामला में अल्लाह त का हाथ काम का काम करता दिखाई दे रहा है जब मैंने ये खुतबा पढ़ा तो उसके तीसरे दिन कश्मीर में ख़तरनाक फसाद बपाह हो गया और यूँ मालूम होता था वो हमारी तमाम तदबीरों का खात्मा हो रहा है और जितना काम अब तक किया गया सब खराब हो जाएगा लेकिन मैं समझता था इसमें भी अल्लाह तला का हाथ काम कर रहा है चुनाचे एक महीने तक सख्त तारीख़ हालात रहने के बाद मान हालात बदल गए और यूँ हालत हो गई कि गोए अफसाद हुआ ही नहीं था कश्मीर में जिस वक्त हालत ख़राब हुए मैंने उस वक्त दोस्तों से कह दिया था कि अल्लाह ताली की तरफ से आजमाइश है मेरे लिए भी और दोस्तों के लिए भी मेरे लिए इन मानों में क्या है मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ ये नहीं कि ये सब कुछ अल्लाह तरफ से है और दोस्तों के लिए इस लिहाज से कि उनकी ईमानी कैफियत का इज़हार हो जाए तो ये है सियासत असल चीज़ कि बुनियादी तौर पर कर्म जी से रहनमाई हासिल की हुजूर ने और पर वक्त रहनुमाई फरमाई और उस रहनुमाई से और बाद में उसी जो है पॉइंट उसी पे आना पड़ा वो अच्छो छोड़ना पड़ा तरकी मुआलात भी हिजरत भी वो कहते हैं ना कि हर के दाना कुनद कुनद नादा लेख बाद उस खराबी अब सियाह जी वो खराबी अब सियाह का जिक्र आया ना कि खिलाफत क्या या की तारीख चल रही है और हम हिजरत करके निकल जाएंगे यहां से और वहाँ पर फिर जाके ऐसा झील खुआ खार, खार होना पड़ा कि उसको खबरें मिलती थी देखने के के कहीं कही, उनके वो सरहद से लेके पूरे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो सफ़र की सहबतें बर्दाश्त न कर सके वहीं फिर दफन करना पड़ा उनको बहुत एक वो एक दर्दनाक है ये जी बात यह कि मैंने तो इतनी गहरी तारीख पढ़ी नहीं आप तो माशाल्लाह तारीख से काफ़ी वाकफियत है कोई लीडर भी मरा कि नहीं सफ़र में नहीं, लीडर के जाने की क्या जरूरत थी तो तो लीडर पीछे बैठे थे वो एंजॉय कर रहे थे उनके नाम तक छप्पन लाख रुपया इकट्ठा हुआ जी तरीके खिलाफत की तारीख में छप्पन तीस लाख तुर्की पहुँचाया गया छब्बीस लाख वहीं खर्च हो गया तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी नाश्ते करते पराठे खाते तो उसके बाद इसमें गमे मिलत में तो और क्या वहाँ जाने की क्या जरूरत है दूसरे लोग छप्पन लाख बड़ी रकम छप्पन लाख इकट्ठा हुआ बहुत बड़ी रकमानी के लिहाज से अड़तीस तो तो लाख सिर्फ तुर्की तो। गया आपको मैं ये मैं जो तुर्की गया वो भी तो हुआ होगा वो कहाँ कहीं सही जगह पे इस्तेमाल किया होगा जो पहुंच गया वो भी तो इसके जो मेन तहरीक के थे लीडर वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे एक मरतबा उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि ये मुलाकात बरतानवी सफीर के तवसत से हो सकती है उन्होंने कहा आपके लिए इतनी जदोजहद की अब हम उन्हीं के मनत करें हर कौम की अपनी अच्छा ये हजूर ने बड़ी रहनमई की कि भाई हिजाज को रहने दें वहाँ नेशनलिज़म है उनका उनको अपनी फ़रोग देने का मौका मिल रहा है और देखें मुस्तबिल में वही पैटर्न सेट हुआ ख़तरा पेश आ सकता था तो हर मुल्क की अपने अपने तकाज़े हैं अपनी अपनी तहरीकें हैं हिंदुस्तान के मुसलमान तो अपना अच्छा वो ये भी कहते हैं कि ये दरअसल बात ये उनकी इतनी हमदर्दी नहीं थी जितनी अपना वो रेलिंग पॉइंट था कि देखें ना खिलाफत के नाम पर फंड भी इकट्ठे हो रहे हैं लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो कुछ चंदा जा रहा है उधर कुछ इधर आ रहा है तो बड़ा बाद में स्कैंडल बने वो जो सेठ छुटानी थे उनके बारे में कि पैसा लगा दिया कारोबार में और पैसा डूब गया तो बहुत से म, मायूसी हुई और हिंदुओं ने बाद में जो र, रायत लखनऊ पैक्ट में जो दी थी वो उन्होंने बाद में नेहरू रिपोर्ट में भी वो भी पहले भी जिक्र हो चुका है हमारे मौलाना मालिक खान साहब ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का अक्सर जिक्र चल रहा है इस मजलस में तो वो हकीकी चचा थे हमारे हजरत मौलाना मालिक खान साहब के इनके वाल बुजुर्गवार जो थे उनका नाम हज़रत जुल्फ़्कार अली ख़ान गौर था तो ये उनके छोटे भाई थे मौलाना मोहम्मद अली जोहर उनके छोटे भाई मौलाना शौकत अली तो मौना मालिक साहब फरमाया करते थे मुझे मौका मिला उनके साथ कराची रहने का वो फरमाते कभी मुलाकात होती थी चचा से तो पूछते थे कि मियाँ सुनाओ क्या हाल है वो हज़ू के भी बड़े मद्दार थे वो पूछे मियाँ क्या हाल है तो मैं उनको हंस के जवाब देता था कि जो आपने तहरी खिलाफत की चलाई थी वो तो पता नहीं किधर है लेकिन जो खुदा ताली ने खिलाफ कायम की वो कामयाबी कामयाब जा रही है क्या है नाजर इक्राम जैसे आपने ये सुने ख्याल हमारे मेहमानों के और इसका मुताल करने के लिए हम आपको दावत देंगे आप अनमार का मताल करें नाजर इक्राम इस बहस के दौरान आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े लीडर्स थे वो वो नहीं रहे बाद में जो अब्तदा में थे मौलाना कलाम आजाद का बुलंद आहंग जो अल हलाल में नज़र आता है तस्कर में नज़र आता है वो गवारे ख़ातर में पहुँचते पहुँचते सरगोशी में तब्दील हो गया पहले वो पैरवी जनू के जो नारे लगाते थे बाद में पैरवी अकल खुदादात के मशवरे देने लगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन्नीस सौ बीस में जो थे वो उन्नीस सौ में नहीं रहे जब वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से होटिंग करके वहाँ से निकाले गए दिल बर्दाश्त हो के वहाँ से निकले कायद अज़म वो नहीं थे जो कि साइमन कमीशन का बाईकाट कर रहे थे लेकिन हजरा साहब मशवरा दे रहे थे कि और वही उन्नीस सौ अठतीस में वायसराय के पास गए कि आप कोई मुस्तबिल में मनसूबा ऐसा नहीं बनाएंगे जिसमें मुसलमानों से आप मशवरा नहीं करेंगे हम आपका मरकज़ में आपको तामन करेंगे अलामा इकबाल जो पैरवी वतन का वतन का हर ज़रा उन्हें देवता नज़र आता था बाद में इसी नज़रिए को वो मजहब का कफन समझते थे तो ये लीडर जो थे वो तरदत में मुब्तला थे तो एक ही जो रहनमाई थी एक ही आवाज़ थी जो वो कही और वही मतबर ठहरी तो इनशाला आहंदा आपकी आहदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे असलम खुदा खुदाफिज़ मिलते अहमद के हम दर्दों में गमखारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में हूँ बेवफाओं में नहीं हूँ मैं वफादारों में